हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषि, आप देख रहे हैं टेक्निकल ऋषि चैनल। तो आज हम बात करेंगे ओप्पो फाइंड एक्स के बारे में, जो कि ओप्पो ने मेरे दिमाग से उसके लिए इमेज पूरी तरह से बदल दी। कैसी इमेज, तो देखते रहिए। तो मैं ओप्पो के बारे में सोचता था कि यार ओप्पो बस कॉपी करती है, ये करती है, उठा के दे दिए कस्टमर्स को, दे दिया, बेच दिया, बेचने से प्रॉफिट मिल गया, बस हो गया। बट इस बार ना ओप्पो ने, मतलब बोलते ना, पूरी सोच ही बदल दी है कि ओप्पो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि मतलब रिसेंटली भी थोड़ी टेक्नोलॉजी लाई, अभी भी थोड़ा एक ऐसा फोन लाया कि सच्ची बहुत अलग है। तो आप मैं साइड्स में देख सकते हो उसके फोटोज कैसे हो गए, जो कि है, मुझे तो ऐसा लगता है और बहुत भी लोगों को लगता है कि वो सैमसंग S9 आईफोन X का मिक्सर है। ठीक है, उन्होंने मिक्सर करके लाया, बट लाया तो सही। उनका डिस्प्ले देखा, पूरी तरह से व्यू लगता है, मतलब कहाँ पे तो एक या डेढ़ इंच का फर्क होगा, जैसे हम बोलते हैं 99% स्क्रीन रेशियो, ऐसे लगता है ये। बट हम इसकी डिस्प्ले की बात करें, सच्ची में उसके डिस्प्ले पूरी तरह से फीदा हुआ। जब हम फेस अनलॉक स्टार्ट करते हैं, पीछे से कैमरा ऊपर आता है, कुछ अलग बात लगी। हाँ, जब हम बैक कैमरा ऑन करते हैं, पीछे से पूरा नीचे जाता है, क्या बात है। मुझे तो डिजाइन बहुत इंप्रेसिव लगी। तो हम उसके मोबाइल के बारे में बात करें, कैसे है। तो हम उसके कैमरे की बात करें, तो उसमें ड्यूल कैमरा दिया गया है, जो कि है फर्स्ट वाला कैमरा है जो 60 मेगापिक्सल है, सेकंड वाला है वो 20 मेगापिक्सल है। दोनों भी F.0 एपिचर पे है, और जो फर्स्ट वाला 60 मेगापिक्सल है उसमें और एक एपिचर ऐड किया है, जो कि मैं लिस्ट में देख रहा हूँ यहाँ पे 2.0, मुझे नहीं पता चला, जो कि है फेस डिटेक्शन और ISO के साथ। तो हम फ्रंट कैमरे की बात करें, जो कि दिया 25 मेगापिक्सल का। पता नहीं मैंने गलती की रीड करने में कुछ अलग, बट मुझे 25 लगा। तो हम उसके डिस्प्ले की बात करें, तो उसमें दिया गया 1080p into 2340 pixels। तो क्या बोलेंगे उसको, फुल HD से ऊपर, 2K से नीचे, या 2K बोल दीजिए उसको, 4K और 1K के नीचे, मतलब 1080p के बीच में। तो डिस्प्ले ठीक ठाक है, पता नहीं ओप्पो थोड़ा और ऊपर डिस्प्ले के मामले में क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि उसके मैंने ना 17,000 के मोबाइल देखे, तो भी उसमें 720p के ही डिस्प्ले है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो प्रोसेसर की बात करें, तो हमारा प्रोसेसर भाई जो लेटेस्ट आया 845, जो बेस्ट है 4.3 क्लॉक गीगाहर्ट्ज पे। तो मैंने ये प्रोसेसर को टेस्ट किया पहले अपने OnePlus 6 में, मतलब अपने नहीं, मेरे फ्रेंड के उसमें। तो मैं बोलू मक्खन चल रहा है, सारे गेम्स में अभी तक खेल रहा हूँ उसमें, मतलब खेल चुका फ्रेंड्स के इसमें, तो परफेक्ट चल रहा है। परफेक्ट बोलते ना, बहुत अच्छा। उसमें बैटरी मैनेजमेंट भी अच्छी है, रैम मैनेजमेंट भी अच्छी है, मल्टीटास्किंग बहुत इजी हो चुका है। और सबसे अच्छी बात मुझे उसमें लगी है पावर, उसकी पावर सबसे अच्छी, मतलब उस पर कोई भी गेम फेंक दो, आज के कोई भी गेम फेंक दो, बहुत अच्छे से चलेंगे। जो रैम की बात करें, तो उसमें दिया 8GB रैम DDR4 का, तो एट लास्ट अच्छा रैम दे दिया उन्होंने, बहुत अच्छा है, 8GB भी अच्छा है। बट मैंने थोड़े एक्सपर्ट्स की बात माने, तो बोलते कि आज के एंड्रॉइड फोन के लिए 4GB ओवरकिल है। पता नहीं ओवरकिल कितना होता है, बट ये सब मैंने उस मोबाइल के बारे में देखा। जो बैटरी की बात करें, तो 3730mAh की बैटरी है, 4000 दिया होता तो अच्छे हो जाता, ठीक है। और हाँ, मैं बताना भूल गया, ओप्पो फाइंड एक्स का डिस्प्ले है 6.4 inches का, बहुत बड़ा लगता है। और हम उसके एंड्रॉइड की बात करें, तो उसमें आया 8.1 एंड्रॉइड, जो कि है ऑक्टोपस, मैं भूल गया था सॉरी, पर उसमें उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने खुद का स्किन दे दिया उसमें, कलर ओएस 5.1। मुझे कलर ओएस बिल्कुल पसंद नहीं, पता नहीं क्यों, MIUI से थोड़ा लाइक तो है, बट तो नहीं पसंद। तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसे लगा, और आप और मेरे तरफ से ऐसे वीडियोस चाहिए चाहते हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको ये मोबाइल कैसे लगा, ओप्पो की ये कारीगरी कैसी लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज लाइक करना, प्लीज शेयर करना, प्लीज सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखा करो, समझ गए ना क्यों। थैंक यू। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।